डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एमू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, मगरा पुंजला, जोधपुर, आज की बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पेपर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्धन जैविकी, और इसमें हम पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें शुक्राणु जनन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि शुक्राणु कितने प्रकार के होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया का कंट्रोल किन किन फैक्टर्स के द्वारा होता है और स्पर्म मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्पर्म्स या शुक्राणुओं के प्रकार, जैसा कि इसमें बताया गया है कि दो प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप है फ्लैजिलेटेड यानी पूंछ वाले, जिनमें पूंछ या फ्लैजिला उपस्थित होता है। तो लगभग सारे ही जंतुओं के स्पर्म जो हैं उनमें एक फ्लैजिला पाया जाता है यानी मोनोफ्लैजिलेट होते हैं, लेकिन टॉडफिश के स्पर्मेटोजुआ में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो यह बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म होता है जो कि टॉडफिश में पाया जाता है। सेकंड है नॉन फ्लैजिलेटेड, तो इनमें फ्लैजिला या टेल नहीं पाई जाती है यानी पूंछ विहीन शुक्राणु होते हैं, और इस प्रकार के शुक्राणु जो हैं एस्केरिस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन या शुक्राणु जनन का नियंत्रण। प्राणियों में शुक्राणु का निर्माण टेम्परेचर, लाइट, हार्मोन, मेंटल स्टेज एंड एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो सबसे पहला फैक्टर है इसमें एज। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आफ्टर प्यूबर्टी यानी तरुणावस्था के बाद में शुरू होती है। तो यह तरुणावस्था में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH के श्रावण से शुरू होती हैं और मृत्यु तक चलती रहती है, यानी कि एक बार शुरू होने के बाद में कंटिन्यूअस यह लाइफ लॉन्ग चलती है। 30 वर्ष की आयु में यह अधिकतम होती है, यानी कि इसका मैक्सिमम लेवल जो है वो 30 ईयर्स की एज में होता है। सेकंड है सीजन। सीजनल ब्रीडर मैमल्स में, यानी कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि ऋतु प्रजनक होते हैं, यानी कि उनमें ब्रीडिंग की सीजन होती है, तो उन मैमल्स में रिप्रोडक्शन पीरियड के समय में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस सैक में आते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, और जैसे ही उनका रिप्रोडक्शन का पीरियड समाप्त हो जाता है टेस्टिस वापस एब्डोमिनल कैविटी में या उदर गुहा में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से सीजन भी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है। थर्ड फैक्टर है फिजिकल फैक्टर्स या भौतिक कारक। एक्सरेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज आदि कई प्रकार के विकिरण जो है यह स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को बाधित करते हैं या उसकी प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। आप जानते हैं कि विटामिन ई की कमी से जनन उपकला यानी जर्मिनल एपिथीलियम जो है डीजनरेट हो जाती है या आसित हो जाती है, तो इसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया रुक जाती है। नेक्स्ट है क्रिप्टोकोइडिज्म। क्रिप्टोकोइडिज्म एक अवस्था है, अगर मनुष्य को लंबे समय तक ज्वर यानी फीवर आए या बुखार आए तो उसमें अस्थायी बंध्यता यानी कि टेम्परेरीली वो सर्टाइल हो जाएगा, अस्थायी रूप से वो बंद हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, बॉडी का टेम्परेचर बुखार के कारण बढ़ जाने के कारण स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो कम हो जाएगी या उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट है न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल। तंत्रिका अंतःस्रावी
नियंत्रण, और यह हाइपोथैलेमस और पीयूस के हार्मोन्स के द्वारा होता है। इसके बारे में आगे बताया गया है अगले में। यहाँ पर जैसे आप देखिए कि किस प्रकार फीडबैक मैकेनिज्म इसमें काम करता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा GnRH यानी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जो कि पीयूस ग्रंथि के अग्रपिंड यानी एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा यह FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को प्रेरित करता है। FSH सिक्रीट होकर के सर्टुली सेल्स पर अपना कार्य करता है, जर्मिनल एपिथीलियम पर अपना कार्य करता है। तो यहाँ पर सर्टुली सेल्स के द्वारा इनहिबिन बनाया जाता है, एक अन्य हार्मोन, और जर्मिनल एपिथीलियम की स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्मेटोजिनेसिस की प्रक्रिया शुरू करती है। इसी प्रकार से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स, जिसको कि मैंने आपको बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल स्पेस में उपस्थित होती है, तो इन कोशिकाओं पर यह LH काम करता है, और ये कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में उसको मैचुरेशन को पूर्ण करता है, या शुक्राणु बनने की प्रक्रिया में परिपक्वन की प्रक्रिया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से होती है। यहाँ पर जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल अधिक हो जाता है तो यह नेगेटिव फीडबैक के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को GnRH और LH के कम सिक्रीशन के लिए प्रेरित करता है, ताकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल वापस कम हो जाए। इसी प्रकार से सर्टोली सेल्स के द्वारा स्रावित इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी को FSH की कम मात्रा स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि इनहिबिन की मात्रा ब्लड में अधिक हो जाती है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा FSH की कम मात्रा स्रावित की जाती है, ताकि इनहिबिन की मात्रा वापस कम हो जाए। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजुआ में मेटाबॉलिज्म, या इसमें स्पर्मेटोजुआ में उपापचय, क्योंकि स्पर्मेटोजुआ जो है वो एक मोटाइल सेल है, गतिशील कोशिका है, तो इसमें बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए ATP ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और स्पर्म उपापचय का मुख्य उद्देश्य ATP का उत्पादन, रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलिसिस के द्वारा करता है। तो यहाँ पर ATP प्रोडक्शन जो है वो रेस्पिरेशन के द्वारा और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा होता है। ग्लाइकोलाइसिस इंटरनल फर्टिलाइजेशन से संबंधित होता है, और श्वसन से संबंधित संपूर्ण साइटोक्रोम श्रृंखला तथा एंजाइम मिडल पीस में या मध्य खंड में पाए जाते हैं। शुक्राणु ऑक्सीजन का उपभोग, फैटी एसिड्स, लैक्टिक एसिड, ग्लिसरॉल के ऑक्सीकरण के लिए करता है, ऑक्सीडेशन हेतु करता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में स्पर्म ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ATP का प्रोडक्शन करता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। यह स्पर्म का हेड पीस दिखाया गया है, और लास्ट में जाते हुए इसका नेक रीजन और मिडल पीस दिखाया गया है। तो इसके हेड के जस्ट पीछे की तरफ दो सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जिसका कि मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद में यह अंडाणु में प्रवेश करके माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करता है, और डिस्टल सेंट्रियोल जो कि एक्सियल फिलामेंट्स के लिए, अक्षीय सूत्रों के लिए बेसल ग्रेन्यूल यानी आधारी काय का कार्य करता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो शुक्राणु के अंदर प्रवेश कर रहा है, इसी प्रकार से फ्रैक्टोज प्रवेश कर रहा है, इसी तरह से नीचे की तरफ आप देखिए लैक्टोज प्रवेश कर रहा है, और यहाँ पर ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। ग्लूकोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनते हैं, फिर यह प्रक्रिया नीचे से लैक्टेट प्रवेश कर रहा है,
तो यहाँ से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और नीचे से प्रवेश करने वाला लैक्टोज जो है ये पाइरुवेट में कन्वर्ट होते हैं, और पाइरुवेट जो है मिडल पीस में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और आगे क्रैब्स साइकिल चलती है जिसके द्वारा अधिक मात्रा में एटीपी का प्रोडक्शन होता है जो कि इसको एनर्जी देने का कार्य करता है। थैंक यू वेरी मच।